सुबह टाइम हो दोपहर के 1:30। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। पिछला व्लॉग जिन्होंने देखा उनको ये पता होगा कि हमारा आईफोन आ चुका है, आईफोन हम ले आए। लेकिन आईफोन ही नहीं, आईफोन के साथ बहुत सारी चीज़ें भी आई हैं, तो वो पिछले व्लॉग में हमने नहीं बताई, लेकिन इस व्लॉग में हम ज़रूर उन्हें कवर करने वाले हैं। तो वो चीज़ें जो है वो मेरे सामने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये इतनी सारी चीज़ें देख रहे हो, ये हमने सब ऑर्डर कर ली थी, सब मंगा लिया था। स्टूडियो के लिए सारा सामान है, गेमिंग चेयर है, लाइट्स है, बीन बैग है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये लगभग अपने को ये सारा सामान प्लस सारा सामान जो भी है। अरे रुक जा, खोलेंगे। हाँ मैं पता है, इसीलिए खोल रहा है, तो उस पर बैठेगा ना। अभी सूरज आया था परसों, वो भी देख के का बोला इसमें क्या है, मैं बीन बैग पड़ा है, बोला खोल मैं बैठूंगा। मैं कहा नहीं, हाँ सही बात है, ट्रिप पे जा रहे हो। और गाइस ट्रिप पे भी जा रहे हैं यार अपन, तो मैं तो भूल ही जाता हूँ कि हम ट्रिप पे भी जा रहे हैं। और ट्रिप जो थी वो हमारी लगभग ये समझ लो 99.99% कन्फर्म हो चुकी है। सिर्फ 0.001% बची है, वो 0.001 में कभी हमारे, पता है ना जिंदगी हमारी कैसी चलती रहती है, कभी भी लग सकती है, तो फिर कैंसिल भी सकती है, लेकिन नहीं होगी। और गाइस एक चीज़ और, ये जो सारी चीज़ें हैं, जितना बड़ा अपना स्टूडियो पूरा बना है, इंक्लूडिंग टेबल, बेड, पहले के जो मैंने सामान मंगवाए थे 20-30 हज़ार रुपये के, 30-40 हज़ार रुपये का भी सामान मंगवाया है, पेंट, एसी, सब मिला जुला के लगभग अभी तक इस स्टूडियो के अंदर मेरा खर्चा हो चुका है, वो है 3 लाख रुपये का। 3 लाख रुपये का खर्चा हो चुका है, और 3 लाख रुपये में अभी तक हमने 1 रुपये का काम करा नहीं है। सही में 3 लाख रुपये खर्चा चुका, और गेमिंग चैनल पे या फिर जो मेरे को और थोड़े से मेरे आइडियाज़ हैं उनमें मैंने अभी तक 1 रुपये का काम नहीं करा है। लेकिन मैंने सोचा है, लेकिन मैंने ये चीज़ सोची है कि मैं जैसे ही ट्रिप से आऊँगा, ट्रिप से लौट के आने के बाद सारी चीज़ें अपन ट्रैक पे ले आएंगे और सारे काम करने हैं, क्योंकि भाई ये पैसा वसूलना है और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लगानी है। तो एक करके सारी चीज़ें अनबॉक्स करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है बिनोमो। और बिनोमो अवेलेबल है ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर, तो ये बिल्कुल लीगल है। अगर लीगल ना होता तो ऐप स्टोर पर अवेलेबल नहीं होता। और रिसेंटली मैंने इस ऐप को यूज़ करना स्टार्ट करा है, एंड ऑलरेडी मैंने 1500 रुपीज़ पर डे एंड 30,000 रुपीज़ पर मंथ तक अर्न कर लिए हैं। और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। इस ऐप में आप अलग अलग एसेट्स पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, फॉरेन करेंसीज लाइक US डॉलर्स एंड यूरोज। एंड इस प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले एसेट सेलेक्ट करना होगा, देन आपको ये देखना होगा कि ये फोरकास्ट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। रुको मैं एग्जांपल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 700 रुपये लगाए ट्रेड अप पे, देखते हैं कि ट्रेड ऊपर जाती है या फिर नीचे। तो लो भाई, मेरा फोरकास्ट सही हुआ, और आप लोग अपने जीता हुआ अमाउंट इजीली विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या फिर पेटीएम में, वो भी 24 आवर्स के अंदर। और याद रखना कि यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है, तो ध्यान से आप यहाँ पे मिनिमम 350 रुपीज़ से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 350 रुपीज़ का डबल, मतलब 700 रुपीज़। तो आप लोग वेट किसका कर रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप बिनोमो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड रिमेंबर कि अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 65,000 रुपीज़ आपके डेमो अकाउंट में ट्रेनिंग के लिए। तो जाओ और अभी डाउनलोड करो। 5 मिनट से इसको खोल रहे हैं, इसको खोल ही नहीं रहा। हाँ खींच ले, निकल जा। हाँ ये खींचो। अबे क्या है ये? अरे यार टेप नहीं लगी, ये चालू करो। ओ भाई बढ़िया यार, कैसे बैठते कैसे? तो मैंने मेरे साथ लाइट को मंगाया ना, बहुत छोटा। होय होय पकड़िए, देखो मैं बैठ के पर इसमें मैं ऐसे यूं ऐसे बैठूंगा, हाँ यूं बैठ के इधर ऐसे पैर रख के यूं, और फिर ऐसे गेम खेलूंगा। आए हाय, आप लोगों ने अगर देखा होगा एक गेमर है गॉब्लिन, गॉब्लिन करके वैसे ही खेलता है, यूं ऐसे बीन बैग पे बैठ के वही खेलूंगा। तो यार बढ़िया यार। तो हमारी पहली चीज़ अनबॉक्स हो चुकी है, वो है बीन बैग। और गाइस अगर इन सब प्रोडक्ट्स के आपको लिंक चाहिए या आप लोग भी कुछ खरीदना चाहते हो ना, ये सब चीज़ें चाहते हो आप लोग कि हाँ कहाँ से खरीदा गया, तो सब मैंने अमेजोन से खरीदा बेसिकली। लेकिन इनके जो लिंक्स हैं ना, वो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अपने गेमिंग चैनल पर, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा उसमें कि क्या क्या आपको यूजेस लग सकते हैं और कितने का पड़ सकता है, क्या सही है, या फिर आप थोड़ा सा और बजट बढ़ा के कुछ और भी चीज़ें खरीद सकते हो, तो वो सब वहाँ पर आएगा, तो वहाँ ज़रूर चेकआउट करना जब आएगा। लेकिन अभी तो ये खोलते हैं। नेक्स्ट इसको लास्ट में खोलेंगे, ये नहीं, दिस इज द मेन थिंग, इसको लास्ट में खोलेंगे। अब छोटे छोटे पार्सल खोलते हैं, चलो ये क्या है? नेक्स्ट ये मेरे को लग रहा है वैसे तो वो हो गया RGB। हाँ RGB लाइट है, ये RGB लाइट है जो पिछले बार हमने मंगवाई थी, और मंगवाई अभी और लगेंगे चारों तरफ थोड़ी बहुत, तो ये तो RGB लाइट है। बिल रखते जाओ भाई। नेक्स्ट ये, इसमें देखते हैं भाई इसमें क्या है। ये क्या है भाई? ग्रिफ्ट। अच्छा ये 3mm की मैंने एक टेप मंगवाई है,
डबल साइडेड टेप है ये 3 mm की, ये बहुत ज़्यादा हार्ड टेप है, इससे क्या है कि एक बार चीज़ें चुपक गई ना वो चुपकी रह जाएंगी। नेक्स्ट इसमें निकलता है, वही निकलेगा, मैं जहाँ तक पता है वही है। यस, क्या चीज़ है ये? 3 mm टेप के साथ ही आती है। इसमें सब में क्या है कि केबल्स है ना जो भी फैल रही है अभी, टेबल पे देख रहे हैं अपनी सारी केबल्स फैल रही है, ये सारी इसमें लग जाएंगी, तो केबल मैनेजमेंट सही से हो जाएगा अपना। ये अभिषेक भैया घर का एड्रेस देख सकते हो आप, और नंबर भी आता है एड्रेस के साथ। हाँ सब कुछ है। नंबर नहीं है ना इस पर तो दिख ही नहीं रहा। अरे इस पर दिख ही नहीं रहा। ये तो वो है मोबाइल होल्डर, ये भी बिल। तो ये मैंने मंगाया एक मोबाइल होल्डर जो कि अपन यहाँ ऐसे इस पर रख देंगे, समझ रहे हो, यूँ। और इसमें जैसे अपना फ़ोन है, फ़ोन दो अपना फ़ोन दो, ये रखा जैसे फ़ोन अपन गेम वेम खेल के जैसे हमने बस कुछ नहीं है करने को तो ये यूँ रखा जाएगा। अच्छा समझ रहा है, यूँ पड़ा रहेगा इस पर, यूँ भी तो रख सकते हैं ना, कैसे भी मतलब रख लो इस पे रखने के लिए कि ये मोबाइल होल्डर हो, यार रख लेंगे इसको बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ऐसे ऐसे इस पर पटकने से बढ़िया, उठाने से बढ़िया इस पे रख दो शांति से। नेक्स्ट जो है उसमें निकलता है क्या देखते हैं। हाँ अच्छा ये वो है लाइट। ये सभी चीज़ आई है, ये देख लो ये लाइट है, ये लाइट लगेगी, रुको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। एक वायरिंग करनी होगी अपने को, और ये जो लाइट है ये लाइट यहाँ लगेगी एक, और एक वहाँ लगेगी, तो वहाँ से इस वाली वॉल पे पूरा RGB इफेक्ट आएगा। ये उसके लिए लाइट मंगाई है मैंने, कनेक्शन करना है, कनेक्शन करने पड़ेंगे बस अपने को, तो वो तो बाहर भैया कर ही देंगे मिस्त्री। सही है। नेक्स्ट इसमें से निकलता है और RGB लाइट है, ये और RGB मंगाई मैंने। हाँ RGB। नेक्स्ट लाओ, नेक्स्ट क्या है भाई, इतने सारे पार्सल मंगाए भी थे मैंने वही, और ये कम से कम पड़े हुए हैं 20 दिन के ऊपर होगा, ये पड़े हुए मेरे खोलने का टाइम ही नहीं मिला इनको। लाइट ही लाइट होंगे वाली, तो यार स्टूडियो लाइट से ही अच्छा लगता है, जितनी ज़्यादा लाइटें होंगी उतना ज़्यादा सुंदर और उतना ज़्यादा अच्छा स्टूडियो लगेगा। क्या ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ वॉच, वॉच मंगवाई है आपने, दिखाता हूँ दिए रखे ना सेम। ये वो वाले डेकोरेशन के लिए मंगाए, तो इनको भी लगाएंगे अपन अच्छे से, जैसे अपना वो वाला जो एरिया देख रहे हो ना, जैसे वहाँ पे दिखा, ये देख रहे हैं ये सारी चीज़ें पड़े, इनको हटा के इन सब चीज़ों को अच्छे से लगाने वाले हैं अपन। इसको मत हटाना यार, ये नहीं यार अच्छा लग रहा है, वही रहेगा। उसके साथ में बीच में जो लाइट चल रही है गोल गोल, ये इनके पेड़ के बीच में सोचा है कि करेंगे उसको। ये हो गया नेक्स्ट 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 ये लोग फ्री का कीबोर्ड माउस है, थैंक यू यार। ये पता है मेरे को पता ही नहीं, मेरे घर में पहुंच गया, मेरे को पार्सल वाला देखा, बोला आपके नाम का, मैं कहा मेरे नाम का नहीं है, बोले नहीं आपका है, मैं बोला भैंस की मेरे नाम का कौन भेज दिया, तो बोला रख लो आप तो जिसका भी है। सारे प्लास्टिक पैनल दे, ये रे ये देखो, ये रे अच्छे वाले यार, ये वाले ये देख उससे अच्छे है ये जो अपन ने लगाए और करे वो वाले ऊपर वाले, हाँ ये वाले में डायमंड है, इस वाले में डायमंड है, अच्छा है, चलो इसको इसको भी लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे अच्छे से। अब ये क्या है, वो उसको लास्ट में, उसको भी लास्ट में खोलेंगे, नेक्स्ट ये खोलेंगे, ये भी क्या, ये रहा एक, इसमें गैस करो क्या हो सकता है, इसमें बहुत तगड़ी चीज़ मंगाई है मैंने, तो फाइनली खुल गई भाई साहब। पर राम रे राम, इतनी मेहनत तो मेरे से किसी ने नहीं करवाई, किसने करवाई, ये तो एकदम साइज की आई है। तो ऐसे कुछ ये घास इधर बिक जाएगी, और ऐसी एक और मंगा रखी मैंने, वो ऐसे में आ जाएगी, तो ये दोनों हो जाएगी, और यहाँ पे अपने इस पूरे एरिया में लगभग यहाँ तक आएगा, 5x5 का एक कारपेट बिछेगा जो ये पूरा एरिया कवर कर देगा, तो बहुत बढ़िया लगने वाला ही है। दो ही चीज़ें बची हैं, और इस पूरे स्टूडियो में यही दो चीज़ें सबसे महंगी है भाई साहब। इसमें तो मेरे को पता है क्या है, इसमें क्या है? हाँ, एक तो इसमें गेमिंग चेयर है और इसमें लाइट है, ये भाई बहुत महंगी चीज़ है, दोनों सबसे महंगी, जितने सामान मैंने अभी तक मंगाया सब में सबसे महंगी यही दोनों चीज़ है सिर्फ। इसमें तो दिख नहीं रहा है भाई, इसमें कुछ टूटने फूटने का लिखा है फ्रेजाइल, देख के आराम से खोलने को। हाँ हाँ वाओ, एक दो, और ये इसका स्टैंड, यो भाई जो मेन लाइट है वो है, और इसके साथ ये इसके स्टैंड दे रखे हैं दोनों को,
ये देखो ये लाइट है, आराम से भाई, महंगी चीज़ है, तरीके से खोलेंगे तो इसमें ये सब चीज़ आती है, प्लस रिमोट आता है इसका, और एक ये लाइट आती है गोडोक्स टाइप लाइट है। हाँ गोडोक्स टाइप, लेकिन वो गोडोक्स की होती है, गोडोक्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बहुत जगह गिरती है, ये इतनी जगह नहीं गिरेगी। और ये सिर्फ यानी पर्टिकुलर जगह लाइट आएगी एकदम बढ़िया से, और दोनों लाइट है भाई बढ़िया, मजा आने वाला है। प्लस इसकी हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा सब कर सकते हैं इस रिमोट से आराम से। प्लस इसमें चेंज भी, शायद लाइट भी चेंज होती है, येलो तक जाती है शायद, येलो से वाइट होती है लाइट। और इसके साथ में इसका ये माउंट दिया है जिस जो यहाँ लग जाएगा, और इसके नीचे आप फिर यहाँ से कोई सा भी ट्राइपॉड लगा सकते हो। कितने रुपए? और गाइस ये लाइट, सिर्फ ये लाइट बड़ी है, मुझे 8,000 रुपए की दोनों लाइटें मिला के। तो अब खोलते हैं सबसे महंगी चीज, ये एक बैठने की चीज है जो आती है 20,000 रुपए की, कुर्सी। कुर्सी एक कुर्सी पे मैं भी बैठा हूं। हां ये कुर्सी पे बैठा है तो 500 रुपए की आती है, और एक ये 20,000 की कुर्सी। तो वैसे तो ये गाइस जो गेमिंग चेयर होती है ना, ये असेंबल होके नहीं आती, इसको असेंबल करना पड़ता है पूरी को, ये सारे पार्ट्स आते हैं इसके, उनको असेंबल करना पड़ता है। तो मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूं, असेंबल इसको हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आपको बाद में देखने को मिलेगी कि कैसे असेंबल करते हैं, क्या होता है गेमिंग चेयर, कितने की पड़ती है, कौन कौन सी रेंज, तो सारी डिटेल वीडियो है। वो जो ज्ञान है वो जहाँ का ज्ञान है वो वही मिलेगा, यहाँ सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये ग्रीन सोल की अपनी, ये इसका नीचे वाला वो पाँव आता है वो आ गया, ये हैंड रेस्ट हो गए, और कितनी प्रीमियम है यहाँ, एक बार जो जो मेन चीज़ है वो दिखा देता हूँ बस आपको। ये नेक रेस्ट आ गया इसका, और ये कुशन, ब्लू कलर मंगाया क्या? ब्लू कलर। और ये देख लो ये कुछ चेयर ऐसी दिखती है। अरे यार बढ़िया है, देख लो ये तो पॉलिथीन वाली पैक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं एक बार ट्रिप से होके आ जाऊँ ना, तब उसे खोल के असेंबल करूंगा, वरना भी ये पड़ी पड़ी गंदी हो जाएगी। इसके नीचे क्या है वो भी दिखाओ। हाँ और इसके नीचे वो आना बैठने वाला, वो हो गया, ये वाला हो गया। चलो बढ़िया। और इसके साथ में नट बोल्ट आए बॉक्सेस में, सोचो इतनी बड़ी चीज आती है। और इवन ये चीज दिखाऊँ भाई तुम्हें क्या आया साथ में, देखो ये देखो ग्लव्स आया साथ में, कि इनको पहन के आप असेंबल करें, जिससे कि असेंबल करते हैं नट बोल्ट या ऑयल कुछ भी आपकी कुर्सी पे ना लगे, गंदी ना हो, इसलिए साथ में ग्लव्स भी दिए इन्होंने, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। तो गाइज यही था अपना छोटा सा 3-4.5-4 लाख रुपए का सेटअप, काफ़ी छोटा था। तो ये इतना ही है, बाकी आप लोग की दुआ प्यार मोहब्बत रही ना, तो ये 3-3.5 लाख रुपए की चीज़ 30-40 लाख की भी बन सकती है, आप लोग अगर ऐसे प्यार मोहब्बत। 1.5 लाख अभी हाँ और लगने वाले सही में, अभी 1.5 लाख रुपए लगभग अभी और लगने वाले हैं, वो चीज़ है वो आपको बाद में पता चलेगी, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वैसे वैसे पता चल जाएगा। और एक चीज़ तुम्हें बताया नहीं हम लोगों को, बता पूरी राम कथा गा दी, सब कुछ गा दिया, और ये तो बताया नहीं। हाँ मेरे को अभी दिमाग में आया इसको देखा, मैं पूरी राम कथा गा दी, और यही नहीं बताया। बताओ तो ये गाइस हमने वॉलपेपर भी लगवा लिया, ये 3,500 रुपये का वॉलपेपर है, सिंपल सा, क्योंकि उन्होंने बोला कि आज है कल भी उतर सकता है परसों भी उतर सकता है, लेकिन ऐसे उतरता नहीं है, तब भी बोले कि 6 महीने तो आराम से चल जाएगा, तो मैंने कहा बस इतना ही चलाना अपने को, 6-7 महीने बाद चलेगा, फिर चेंज करवा लेंगे, चेंज करवाते रहेंगे, क्योंकि चेंज इज नीडेड, तो चेंज करते रहो, चीज़ें लगाते रहो नई नई, जैसे जैसे आइडियाज़ आते रहेंगे दिमाग में करते जाएंगे। और बस यही सब तो दिखा दिया मैंने आपको फाइनली जो भी था, अब चलते हैं, थोड़ा सा ट्रिप भी प्लान करनी है हमको, तो ट्रिप प्लान करने के लिए एक बार मेरे को SBI के पास जाना है, थोड़ी बहुत बातें करनी है। वैसे तो कल वो आए थे मेरे पास, तो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, लेकिन अभी भी देखो जो ट्रिप पर हम जा रहे हैं ना, वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग चाहिए होती है, बहुत सारी प्लानिंग चाहिए होती है, तो वही सब प्लानिंग एंड डिस्कशन के लिए मैं एक बार SBI के पास जा रहा हूँ। एंड गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा ये सब चीज़ें देख के, यानी क्या और चीज़ें अपन कर सकते हैं, क्या सजेशंस हैं, वो सब चीज़ें ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सजेशन से ही चीज़ें इंप्रूव होती हैं, तो सजेशंस जो भी हो आप लोगों के ज़रूर देना। तो इस वीडियो में यही एंड करते हैं, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ।